एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लिनक्स का 2017 का नया वर्जन आ चुका है। तो दोस्तों, काफी सारे व्यूअर्स ने मेरे से सवाल किया था कि हम अपनी लिनक्स को कैसे अपडेट करें। वैसे दोस्तों, अपडेट करना काफी आसान है, तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि नए यूजर हैं, उनको नहीं पता कि कैसे अपडेट किया जाता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नया वर्जन देखने को मिल रहा है। यदि आप फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ से ISO इमेज डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको टोरेंट के द्वारा या फिर डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपने वर्चुअल मशीन पर या इसको आप डायरेक्ट अपने हार्ड डिस्क के अंदर फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पहले से ही इंस्टॉल कर लिनक्स को कैसे अपडेट करें जो कि आपके वर्चुअल मशीन या फिर आपके डायरेक्ट हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। तो इसके लिए दोस्तों, आप अपनी टर्मिनल विंडो ओपन कर लीजिए। ये मैं अपनी टर्मिनल विंडो ओपन कर ली। इसके बाद दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। तो मैंने कमांड लगा दिया सीडी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम एक सेल स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप कमांड लगा दीजिए जी एडिट और फाइल का नाम दे दीजिए, जिसमें नाम दे दिया update.sh। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और आप कोई भी अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जी एडिट का। उसके बाद आपको इस फाइल के अंदर अपडेट की कमांड्स लिखनी होंगी। तो सिंपल से आप ये कमांड इसमें लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए apt अपडेट, एंटर दबाइए। उसके बाद apt dist - अपग्रेड, एंटर दबाइए। उसके बाद लिख दीजिए दोस्तों रीबूट और इस फाइल को सेव करके बंद कर दीजिए। उसके बाद आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी update.sh, आप देख सकते हैं। तो हमें इसको रन कराने से पहले इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी। तो इसके लिए कमांड लगाइए दोस्तों chmod +x और हमारी फाइल का नाम update.sh और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये फाइल अब एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। तो सिंपल से कमांड लगाइए /update.sh और एंटर दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अपडेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में दोस्तों करीब आधा से एक घंटा लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी, उतनी जल्दी ये टूल्स इसमें डाउनलोड होंगे। यदि आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया हुआ तो दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप इस प्रोसेस को पूरा चलने दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये सारे के सारे नए अपडेट पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे और आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद दोस्तों, ये सिस्टम ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका यूज ले सकते हैं। तो आप इस कमांड को डायरेक्ट अपने टर्मिनल में लगाकर अपने लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसको मैंने बड़ा करके इसलिए बताया कि जो नए यूजर हैं उनको कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी इस चैनल पर देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और एडवांस कंप्यूटर स्किल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं दोस्तों, वो भी हिंदी में। और साथ साथ दोस्तों, उस नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक करके रखिए, जिससे कि कोई मेरे नए वीडियोज़ आएँ उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।